झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है धनबाद से। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आईडी पासवर्ड की मांग की है। आईडी और पासवर्ड के लिए झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षक अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपते हुए विद्यालय का आईडी और पासवर्ड देने की मांगी है। एसोसिएशन ने इस संबंध में जैक सचिव को भी पत्र भेजा है, जिसमें एसोसिएशन के महासचिव राम राजन कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करने पर कहा जा रहा है कि 25,000 रुपये का चालान जमा किए बगैर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही 8वीं बोर्ड के लिए आपके विद्यालय के बच्चों का नाम नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर है, जिसमें अंतरिम आदेश निर्देशित है। यह खबर है रांची से। मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि घोषित, जाने कब से शुरू होगी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। 9 मार्च से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी, जो कि 26 मार्च तक चलेगी। हालांकि परीक्षा को लेकर डेट शीट जारी नहीं हुई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में डेट शीट भी जारी कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण परीक्षा मार्च माह में रखी गई है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। 6 जनवरी से पीजी में शुरू होगा एडमिशन, स्नातक के लिए फिर खुलेगा चांसलर पोर्टल। यह खबर है धनबाद से। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद और बोकारो के कॉलेज में 6 जनवरी से पीजी के सेकंड लिस्ट में चयनित छात्र छात्राओं के लिए एडमिशन शुरू हो जाएगा। चयनित छात्र छात्राएं 6 से 13 जनवरी तक ऑनलाइन एडमिशन ले सकेंगे। इस बीच विश्वविद्यालय एडमिशन सेल थर्ड लिस्ट निकालने की तैयारी कर रहा है। यह खबर है जमशेदपुर से। 9 माह बाद खुले प्राइवेट स्कूल, शपथ पत्र के साथ ही मिली एंट्री। जमशेदपुर के निजी स्कूल 9 माह बाद पठन पाठन के लिए खुल गया। हालांकि यह बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए खुले गए हैं, ताकि ये छात्र अपनी शंकाओं का समाधान कर सकें। सरकार के निर्देश का पालन करते हुए निजी स्कूलों ने व्यापक तैयारी की है। कोयला मंत्रालय के स्वच्छता के लिए रजरप्पा क्षेत्र को दिया प्रथम पुरस्कार। यह खबर है रांची से। कोयला मंत्रालय ने सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के रजरप्पा क्षेत्र को स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। सोमवार को सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस स्थित विचार मंच में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएमडी पीएम प्रसाद ने रजरप्पा क्षेत्र को कोयला मंत्रालय द्वारा प्रेषित स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार रजरप्पा क्षेत्र की ओर से महाप्रबंधक आलोक कुमार एवं उनकी टीम ने प्राप्त किया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का आदिवासियों विद्यार्थियों के लिए नए तोहफा लाया है। हर साल इतने छात्र विदेश में कर सकेंगे पढ़ाई। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के आदिवासी विद्यार्थियों को नए साल का तोहफा दिया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण का अवसर मरांग गोपमय जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से मिलेगा। ऐसी छात्रवृत्ति योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। यह खबर है हजारीबाग से। यूपी का ठग झारखंड के हजारीबाग में गिरफ्तार। योगी के वेश में पुत्र बनकर कर रहा था ठगी, गिरफ्त में, ऐसा है आया खबर। झारखंड के हजारीबाग जिले में योगी के वेश में पुत्र बनकर ठगी करने वाला यूपी का ठग मोहम्मद सखी पकड़ा गया। इछाक पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। हजारीबाग जिले के इछाक थाना क्षेत्र के झरको गांव निवासी कालेश्वर मिश्रा ने इस संबंध में इछाक थाना में आवेदन दिया था। इसे गंभीरता से लेते हुए इछाक पुलिस युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक का नाम मो सकीब अहमद है। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा लालपुर के विशनपुर के टिकरिया का रहने वाला है। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। हलाल शब्द सरकारी दस्तावेज से एक झटके में गायब। इस्लामी संस्थाओं के सर्टिफिकेट का खेल बंद, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। भारत सरकार के कृषि एवं प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अपने रेड मीट मैनुअल में से हलाल शब्द को ही हटा दिया है और इसके बिना ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए लंबे समय से अभियान चला रहे हरिंदर एस सिक्का ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कल से लहराया तिरंगा, जानिए क्या है खास वजह। भारत के सशक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बनते ही सोमवार से यहां तिरंगा लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि 5 नए अस्थायी सदस्यों देश के झंडे को सोमवार को एक विशेष समारोह में स्थापित किया गया। भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा कि केजरीवाल ने तोड़ा चांदनी चौक का हनुमान मंदिर, बजरंगबली केजरीवाल को दंड अवश्य देंगे। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बने सैकड़ों साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़े जाने के बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान शुरू हो गया है। इन सब के बीच भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण कराने के नाम पर हनुमान मंदिर को तोड़वा दिया। जैक मा ही नहीं, चीन से रातों रात गायब हो चुके हैं कई बिजनेसमैन, अलीबाबा का हुआ 20 लाख करोड़ का नुकसान। बिजनेस डेस्क चीन के सबसे अमीर शख्स और अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के बारे में बताया जा रहा है कि वे लापता हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैक मा को पिछले 2 महीने से नहीं देखा गया है। बता दें कि जैक मा ने चीन की सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद अलीबाबा के एफिलिएटेड एंड ग्रुप की तरफ से लाया जाने वाला सबसे बड़ा आईपीओ स्थगित करना पड़ा था। हिस्ट्री सीटर मुजीब की संपत्ति सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, इतने करोड़ का है मालिक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसी कड़ी में सीतापुर जिला प्रशासन ने हिस्ट्री सीटर मुजीब अहमद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उसकी कई चल अचल संपत्ति जब्त की है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। जब्त की गई संपत्तियों में कुल कीमत लगभग 7,50,00,000 रुपये आकी जा रही है। जानिए देश के किन हिस्सों में 6 जनवरी तक होगी बारिश और गिरेंगे ओले। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश के साथ ओले गिरने का भी संभावना जताया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसी तरह अगले 3 दिनों तक भी इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 और 6 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर पर बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से में शीतलहर चलने से हाड़ कांपने वाली ठंड भी पड़ रही है। नए साल के पहले दिन ही घना कोहरा छाया हुआ था। टीके के लिए देना होगा कितना पैसा, सेरम इंस्टीट्यूट ने किया कीमतों का खुलासा। देश में इस महीने से कोरोना वैक्सीन लगने का अभियान शुरू हो सकता है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार अपनी वैक्सीन की कीमतों को लेकर खुलासा किया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा है कि उनकी वैक्सीन के लिए 2 अलग-अलग कीमतें तय की गई है। आदार पूनावाला ने कहा कि सरकार को 250 रुपये प्रति टीके के हिसाब से ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन देंगे, वहीं प्राइवेट मार्केट में यह वैक्सीन 1,000 रुपये में मिलेगी। ग्राहकों के लिए एक सावधान होने का खबर है, बैंक ने जारी किया हाई अलर्ट, भूल कर भी ना करें ये काम। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो ये बातें आपके लिए जरूरी है। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है। आइए, दिन बढ़ते साइबर क्राइम की वजह से बैंक ने खाताधारकों से अनुरोध किया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें और किसी भी तरह के फर्जी मैसेज पर विश्वास न करें, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब हो सकते हैं। तो सभी ग्राहक हो जाएं सतर्क। UGC ने बढ़ाई सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, 20 जनवरी तक करें अप्लाई। जो लोग सरकारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल UGC ने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है वे 20 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 5 फरवरी है। जानिए लखनऊ में किस दिन होगी महिला सैन्य पुलिस की खुली भर्ती, जान ले सभी जरूरी बातें। सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना में शैक्षणिक श्रेणी में महिला सैन्य पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती रैली की प्रक्रिया सुनी होने जा रही है। सैन्य के माध्यम कमान में लखनऊ स्थित मुख्यालय में 18 से 30 जनवरी के बीच महिला सैन्य पुलिस के लिए खुली भर्ती रैली आयोजित की जाएगी।
यूपी में युवाओं को फ्री में मिलेगी प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग, योगी सरकार ने की घोषणा। योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को फ्री कोचिंग क्लास दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा दो चरणों में दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि कोचिंग प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा। यह स्कीम भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए शुरू की जाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया ने ओपन बुक परीक्षा को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर एग्जाम और ईयर एंड एग्जाम को सभी छात्रों के लिए ओपन बुक टेस्ट के रूप में आयोजित करेगा। जेएमआई ओबीआई परीक्षा 2021 को 15 जनवरी 2021 से ऑनलाइन आयोजित किया जाना है। जामिया ने ओपन बुक एग्जाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने जेएमआई छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट jmi.ac.in पर ऑड सेमेस्टर ऑफ ईयर एंड परीक्षा की तारीखों और गाइडलाइंस की जानकारी के लिए विजिट करने की सलाह दी है। सौरभ गांगुली के सेहत को लेकर आई बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति नायडू ने किए फोन। बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के एक और एंजियोप्लास्टी अभी नहीं होगी। 9 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड ने सौरभ गांगुली की स्थिति को देखते हुए सोमवार को बैठक में यह निर्णय लिया। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्हें एक और एंजियोप्लास्टी से गुजरना होगा, लेकिन अब डॉक्टरों ने इस तरह का कोई भी कदम उठाने से मना कर दिया। यानी दादा को आज या कल तक अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। सरकार की किसानों को दो टुक, रद्द नहीं होंगे कृषि कानून, एमएसपी पर हो सकता है बड़ा ऐलान। किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच हो रही सातवें दौर की बातचीत के दौरान केंद्र सरकार ने दो टुक कहा है कि वह तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्वेल, हर देशवासी अपने वैज्ञानिक और टेक्नीशियन को कृतज्ञ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहे कि नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर गौरव है। हर देशवासी अपने वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों को कृतज्ञ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।